हरियाणा की राजनीति में वर्तमान समय में सबसे अधिक हॉट सीट अगर कोई है तो वह है करनाल विधानसभा सीट। जी हां, यह सीट सबसे अधिक चर्चा में भी क्यों ना हो, क्योंकि यहां जिनसे चुनाव जीतना कुछ दिग्गजों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। इसी चुनाव की गहमा गहमी को लेकर आज हरियाणा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पवन शर्मा ने करनाल में कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह के साथ चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को लोगों का गला काटना आता है, भला करना नहीं आता है। भाजपा ने ब्राह्मण समाज के साथ हमेशा पक्षपात किया है। उन्होंने बताया कि रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा का जन्मदिन का केक रोहतक की रैली में यह कहकर काटने से इनकार कर दिया गया कि यह उनकी संस्कृति नहीं है। क्या मुख्यमंत्री की संस्कृति में लोगों का गला काटना है? उन्होंने बताया कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से हमेशा से ब्राह्मण प्रत्याशी जीतते आए हैं, लेकिन भाजपा ने आते ही ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया। पिछली बार पंजाबी समुदाय से अश्विनी चोपड़ा को टिकट दिया तथा इस बार संजय भाटिया को टिकट दिया गया, जबकि यहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दिया जाना चाहिए था। उन्हें हरवाने के लिए रोहतक भेज दिया गया है। यह तो ब्राह्मणों का प्रताप था कि रोहतक से भी अरविंद शर्मा चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को हरियाणा के समस्त ब्राह्मणों की तरफ से आशीर्वाद और समर्थन दिया। इस अवसर पर अरविंद मान नीटू, सुशील राठी, राजेश शर्मा शांडिले सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसका समर्थन देने का एक कारण यह भी है कि इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने हमारे समाज के साथ अनदेखी की है। जब शुरू में सरकार बनी तो रामविलास शर्मा को आगे करके इन्होंने ब्राह्मण का चेहरा आगे करके ब्राह्मणों की वोट रथ्याई। जब सरकार बन गई तो ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया। एक ही मंत्री हमारे को दिया, जबकि दो तीन मंत्री हमारे समाज के होने चाहिए थे। फिर लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा की हमारी जो करनाल की सीट थी वो हमारे से छीन ली, और जाटों के गढ़ में हमारे ब्राह्मणों को वहाँ लड़ाया। और इतने सारे मुख्यमंत्री आए जो सुरक्षित सीट थी वो अपने पास रख ली और जाटों से ब्राह्मणों को भिड़ाया। और भाई, कभी काला ब्राह्मण से अपमानित किया क्वेश्चन डाल के पेपरों में, कभी गर्दन काटी, कभी मंगल पांडे का, कभी किसी का। अब ताजी घटना, एक प्रोग्राम था उसमें हमारे सांसद अरविंद शर्मा का जन्मदिन था, कोई केक लेके आ गया कार्यकर्ता और सीएम साहब से बोले कि भाई केक काट दो, आज सांसद का जन्मदिन है। सीएम बोले हम तो गर्दन काटते हैं, केक काटने की प्रथा हमारे अंदर नहीं है। के गर्दन काटने की प्रथा इनके अंदर है, केक काटने की प्रथा नहीं है। भाई, मैं तो आज 36 बिरादरी से प्रार्थना करने आया हूँ, भाई अब की बार त्रिलोचन का साथ दे, क्योंकि ये किसी को समझता ही नहीं है। ये खूंखार अभिमानी, बहुत अभिमानी मुख्यमंत्री है। इसने तो एक बार ये भी कहा कि केवल पंजाबी मेरे साथ रहे, मैंने 35 बिरादरी की ज़रूरत ही नहीं। जब इसने 35 बिरादरी की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग इसको वोट क्यों करते हो? ये कहता कि मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, जिसने गम होगी तो मेरे पास चल के आएगा। अरे, ऐसे ऐसे अभिमानी मुख्यमंत्री को आप वोट देने जा रहे हो? मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ, इतना शरीफ, इतना ईमानदार और आपका लोकल कैंडिडेट, यदि आप इसका साथ नहीं दोगे तो और किसका साथ दोगे? मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत। छत्तीस बरादरी की तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरा मान सम्मान किया। हरियाणा ब्राह्मण सभा की तरफ से जो समर्थन दिया गया, मैं इनका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। जहाँ तक मुख्यमंत्री की इन्होंने पुरानी बात कही, यहाँ बहुत सारे पंजाबी भाई भी इस बात से तंग हैं कि व्यापार के माध्यम से और बैंक जो GST और नोटबंदी के माध्यम से व्यापारी वर्ग जो परेशान है। पंजाबी भाई अक्सर व्यापारी हैं और बहुत सारे व्यापारी पंजाबी भाई, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ, मेरे को समर्थन दे रहे हैं और ब्राह्मण समाज का समर्थन मिला, इन्होंने खुला समर्थन दिया
और 36 बिरादरी का समर्थन मेरे साथ है। हर समाज, चाहे वो SCPC समाज है, चाहे वो वैश्या समाज है, चाहे वो राजपूत समाज है, जाट समाज है, बाल्मीकि समाज है, जो भी समाज हैं, सबको मेरा समर्थन दे रहे हैं। क्यों? कारण कि मुख्यमंत्री का जो गुरूर तोड़ना चाहते हैं, जो घमंड है उनका, वो तोड़ना चाहते हैं करनाल के लोग। करनाल के लोग समझते हैं, उन्होंने एक विधायक चुना था, विधायक हर का दुख सुख का साथी होता है, लेकिन उनकी कसौटी पर ये खरे नहीं उतरे। अब वो विधायक चुनना चाहते हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और 36 बरादरी के भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद शर्मा जी। अभी स्वर्ण ने तो सीएम का पगड़ी पहन के स्वागत किया, उसमें सारे ब्राह्मण के अभिनेता थे। ऐसे है भाई, जो संस्थाओं के प्रधान होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी संस्था कहीं ना कहीं भला हो जाए। जी जी, उन्होंने क्या किया, जितनी ब्राह्मणों की संस्था थी उनको लालच दिया कि मैं 51 लाख रुपये दूंगा आपको बढ़ने के बाद। और ये भी थोड़े दिन पहले उन्होंने 101 परसा भेंट किया किसी ब्राह्मण के कहने से, भाई तेरे को पाप लग गया, ये गर्दन काट ली आपने, ब्राह्मण के ऊपर हथियार उठाया, तेरे को पाप लग गया। तो उसने 101 ब्राह्मणों का भोजन करवाया और 101 परसे भेंट करे चांदी के, क्योंकि ब्राह्मण ना किसी का जिस खुद भी भाई हो और ब्राह्मण के पास चले जाता है, भाई मेरा कोई उपाय बताओ, उसका उपाय बता देता है। उसने किसी ब्राह्मण ने उपाय बताया कि आप ब्राह्मणों को जिमाओ और एक परसे भेंट करो, उसने परसे भेंट किए। और रही संस्थाओं की बात, संस्थाओं ने लालच होता कि मेरी संस्था को कुछ पैसे मिले, लेकिन इनको कहा कि 51 लाख रुपये दूंगा। मैं उन भाइयों को बाद में पूछूंगा, ये बन भी गया ना, ये कुछ नहीं देता। जी जी, कौन आपके यहाँ प्रेजेंट है जी? करनाल इकाई से ब्राह्मण सभा के प्रेजेंट कौन आपके? ये सुरेंद्र बड़ोता है। अच्छा, उसकी इकाई क्या प्रदेश अध्यक्ष हो? जी जी, ये जिला अध्यक्ष है। जिला अध्यक्ष वहाँ के सांसद उसके घर पहुँच गए, फिर उसने फिर डिलीट कर दी और कोई स्टैंड ही ले पाया। यदि वो स्टैंड लेता तो हम मुख्यमंत्री का पर्चा दर्ज करवाते और पर्चा दर्ज होता, लेकिन वो स्टैंड ही नहीं ले पाया, कहीं रुके ही नहीं। उनकी कभी बकाइयों में आ जाए, कभी हमारे पास आ जाए, कभी समाज के पास, कभी सरकार के पास, ऐसे चल रहा जा। जी ये भाई जी, अभी की घटना, तुरंत कार्यकर्ता था कोई, वो प्रोग्राम था, रैली में थे और वो बोले कि केक काट दो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ केक काटने की प्रथा नहीं है। हाँ, रोहतक की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ केक काटने की प्रथा नहीं है, हमारे तो गर्दन काटी जाती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।